वेलकम टू ब्लॉग चैनल, दिस इज अंकित यादव। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। और कल ब्लॉग नहीं आ पाया इसलिए क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई शादी में से आने के बाद। आप लोगों ने शादी का ब्लॉग देखा होगा तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी कल, तो नहीं आया, काम पे भी नहीं आया और सोएगा सोया रह गया। और अभी आज देखो हॉस्पिटल पर आ गया तो यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज हम जाने वाले हैं एयरपोर्ट पर, आपको एयरपोर्ट दिखाएंगे और सर को भी लाना है एयरपोर्ट से, तो मिलते हैं आपसे, रास्ते का व्यूज दिखाएंगे। चलो लेट्स गो गाइस। तो अभी आ चुका हूँ सर के फ्लाइट पे और सीधे गाड़ी में से वीडियो बना रहा हूँ। अभी जा रहा हूँ एयरपोर्ट, सर को लूँगा और फिर आऊँगा हॉस्पिटल पे, क्योंकि सर के जो ड्राइवर विजय भैया हैं और मैं भी हूँ, मैं भी चला देता हूँ और विजय जी भी चला देते हैं। मतलब यहाँ पे कोई ड्राइवर नहीं है, मतलब सब अपने स्टाफ के जैसे हैं। तो चलिए बने रहिए इस ब्लॉग में और रास्ते का व्यूज़ दिखाएंगे आपको। और यहाँ पे मैंने साइड में बाइक लगा दी है उधर बाजू में, तो गाड़ी में सीधे बैठ गया और सर का लड़का भी साथ में मेरे आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं आपसे, लेट्स गो। तो ये रोड देख सकते हो आप, पहले भी देखा होगा, रात में भी और दिन में भी दिखाया हो रहेगा, क्योंकि ये स्टेशन कैंट वाला रोड है, फ्लाई ओवर इसको बोलते हैं। और ये सामने कैंट रहा, आपको और नज़दीक में दिखाते हैं चल के। और अभी दोपहर का टाइम है इसलिए क्लियर आता होगा आपको वीडियो, क्योंकि रात में ज़्यादा क्लियर नहीं आता है लाइट के वजह से और अंधेरा भी रहता है ना। और ये पूरा रोड खाली इस साइड का और इस साइड का, तो अपने इधर हम लोग को जाना है एयरपोर्ट। ये देखिए ये रहा कैंट, अभी अच्छे से दिख रहा है वाराणसी कैंट। और एक बनारस स्टेशन है जो कि दूसरा नाम है, दूसरा स्टेशन है। ज़्यादातर करके यहाँ पे गाड़ी रुकती है और फिर आगे जाके वहाँ पे कारखाना बना हुआ है। चलिए आगे मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइस, ये आ चुका है हम लोग का एयरपोर्ट वाला रोड, जो कि यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एयरपोर्ट वाले रोड पे, देख सकते हैं पूरा खाली का खाली है, दोपहर का टाइम है। तो मिलते हैं आगे आप लोगों से और देखते रहिए। अभी आगे ब्रिज आएगा, जो कि ये ब्रिज रहा सामने, और इसी ब्रिज से मैं भी जाता हूँ सीधे सीधे, क्योंकि नीचे से जाने का मतलब है कि ट्रैफिक रहता है और ये ब्रिज पूरा खाली रहता है। अभी नया बना है और अच्छा भी है कि मतलब नीचे से जाना ट्रैफिक के वजह से आप इससे अच्छे से चले जा सकते हो, मतलब पूरा खाली रहता है सुबह शाम दोपहर कभी भी जाओगे आप लोग और व्यूज़ देखते रहो भाई साहब, एकदम दोपहर में तो एकदम मस्त व्यूज़ आता है और वीडियो भी अच्छी रहती है। और ये रहा रिंग रोड, जो कि आप लोगों को और अच्छा दृश्य बनाता है और एयरपोर्ट के पास में, मतलब एयरपोर्ट से मतलब बहुत ही अच्छा व्यूज़ दिखता है। और आप लोग इस वीडियो में आप एयरपोर्ट भी देख लोगे और कभी एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करूँगा दूसरे ब्लॉग में, तो आप पहले इस ब्लॉग को देख लीजिए। और चलिए वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस, तो एयरपोर्ट पहुंचने वाला हूं और आप लोगों को दिखा देता हूं कहां से टर्न मारते हैं बनारस साइड से आते वक्त। और एयरपोर्ट तकरीबन 20 किलोमीटर पड़ता है बनारस कैंट से, या 17 किलोमीटर जो भी समथिंग, आप लोग देख लेना। अभी आप लोगों को दिखाता हूं कहां से टर्न मारते हैं। तो ये देख सकते हो आप, आगे जो आएगा राइट वाला उससे टर्न मार के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलते हैं उसको। और कुछ डिज़ाइन इस ब्रिज पर किया गया है अट्रैक्शन के लिए, तो आप लोग देख सकते हो। और ये रहा, यहाँ से टर्न मारते हैं, ऊपर लिखा हुआ है वाराणसी में आगमन हेतु आपका हार्दिक स्वागत। तो ये रहा एयरपोर्ट के लिए रोड। और यहाँ पे G20 का लोगो लगाया गया था, क्योंकि कुछ दिन पहले G20 का चल रहा था। और ये देख सकते हैं एयरपोर्ट 1 किलोमीटर, और हमें आगे जाना है गेट के पास, ठीक है। ये नया वाला बना है, पहले तो मेन रोड पे ही था गेट, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता था, तभी इसके लिए ये वाला बना दिया उन लोगों ने और यहाँ से कर दिया। अब इस पर ज़्यादा ट्रैफिक रहता है नहीं है, रोड भी जाम नहीं होता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे पिकअप करने के बाद। एयरपोर्ट के अंदर हम लोग जा रहे हैं, सर आ चुके हैं, तो चलिए अभी पार्किंग का देना पड़ेगा, तो चलिए मिलते हैं आपसे। एंटर कर चुके हैं हम लोग और ये आपको एयरपोर्ट सामने दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ पूरा।
ये रहा लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तिरंगा फहर रहा है अपने इंडिया का और कड़क धूप है एकदम। चलिए मिलते हैं आपसे। तो अभी सर को ला के छोड़ दिया घर पे, अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल और मिलते हैं आपसे एक नई ब्लॉग में। और एयरपोर्ट पे आप लोगों को दिखाई दिया और एयरपोर्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जो ब्लॉग नहीं देखा वो ब्लॉग देख लेना। मिलते हैं एक नई ब्लॉग में। जय हिंद जय भारत।